जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैंने कहा था अपन एग्जाम को फोड़ेंगे, क्या करेंगे बच्चे एग्जाम को फोड़ेंगे। तो कल मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी, जिसमें मैंने आप बच्चों से पूछा था कि आपके डाउट क्वेश्चन कौन से हैं। तो कुछ बच्चों ने मुझे डाउट क्वेश्चन बताए थे जो अभ्यास हमने पढ़ा दी थी, तो उन्हीं के अपन डाउट क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। जैसे कि दो तीन बच्चों ने मुझे कमेंट किया, तो उनका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, और आप इसको वीडियो को देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके भी जो डाउट होते हैं आप हमें कमेंट करें, हम उसकी डाउट क्लास में वीडियो भेजेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभ्यास प्रश्न 2.1 के दो क्वेश्चन बताए हैं डाउट में, एक का नाम है 31 और दूसरे का नाम है 32, ठीक है। एक का नाम है 31 और दूसरे का नाम है 32। तो सबसे पहले हम 32वां क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, इस सवाल को देखें और घबराएं मत। इस सवाल को आप देखो तो इससे घबराना नहीं है कि सवाल क्या होगा कैसे होगा, उसकी टेंशन ना करो, उसके लिए हम हैं, ठीक है। कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है, ठीक है। देखो तो 256 माइनस का चिन्ह लगा और 4^-3/2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको हल करना है, क्या करना है इसको हल करना है, क्या करना है बच्चा इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको पता है जब भी माइनस की पावर रहती है, अगर हम उसे पलटना चाहते, जैसे कि मैंने लिखा 3^-2, ऐसा लिखा, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसके नीचे एक रहता है, जब भी माइनस की पावर रहती है पलट जाती, एक ऊपर चला जाएगा और 3^2 कहाँ जाएगा, नीचे। इस तरीके से कुछ होता है। अब आपको समझ में आया, आपने कहा भैया आ गया मैं समझ में, हमें आ गया समझ में। तो बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, इसमें लिखना 256 कोष्टक बंद माइनस 4। अब जो 4 है तो इसके नीचे भी एक होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ, तो एक कहाँ पहुँच जाएगा, आप कहोगे ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा, नीचे। और 4^2 कितना होगा बच्चा, 3/2। 4^2 क्या होगा बच्चा, आप कहोगे 3/2। 4^2 क्या कहोगे आप, 3/2। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने कहा कोई दिक्कत, आपने कोई भी दिक्कत नहीं था, तो हमें समझ में आया क्यों, क्योंकि एक ऊपर जाएगा और 4^3/2 प्लस में हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो इसे आप लिखोगे 256 कोष्टक माइनस। अब देखो जे पता है 1/2 रहेगा, और देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4^2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 4^2 कितना होता है बच्चा, 4। तो मैं इसे 2^2 लिख दूंगा। वैसे मैं बड़ा कोष्टक बना लेता हूँ यहाँ बच्चा, ऐसा बड़ा कोष्टक। अब मैं 2^2 × 3/2, देखो 2^2 का मतलब हो गया 4 और 3/2 तो पहले से ही थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया, तो अपने पास कितना बचा, आप कहोगे 256 और माइनस का चिन्ह। अब आप कहोगे भैया ये रहेगा 1 और ये 2, और 2^3 कितना है बच्चा, 3। 2^3 कितना बचा, 3। किसी को दिक्कत, आपको भैया कोई दिक्कत नहीं, 2^3 कितना, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको देखो थोड़ा अगर ऐसे करता हूँ जिससे ये आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 256 तो जैसा तैसा ही रहेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 256 पर, शिल्पा भी खुश अपन भी खुश। देखो 256 में कोई फर्क पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा माइनस। अब तो एक तो एक ही रहेगा, लेकिन 2^3 थी, इसका मतलब 2 का घन, तो आप सब जानते हो 2 का घन कितना होता है, 8, कितना होता है 8, ठीक है। कोई दिक्कत आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी पावर 256 क्या है, माइनस के 1/8, वो भी है कि नहीं। तो अब मुझे पता है कि इसके नीचे भी एक रहेगा, तो जे क्या हो जाएगा, 1/256 कितना हो, 1/256। अब बात आती है कि एक के नीचे नहीं आएगा जे, अब देखो बात आती है कि जे 1/256 हो जाए, होल पावर थी, जैसे होल पावर लिखेंगे, और ये कितना हो जाए, प्लस की हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चा, प्लस की। जब भी अपनी घात बच्चा माइनस में होती, किस में होती है, माइनस में, जब भी अपनी घात माइनस में रहती है तो हम उसको, उसके जो अंश को हर बनाते हैं, हर को क्या बना देते हैं बच्चा, अंश बना देते हैं, तो जो घात होती है वो प्लस की हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चा, अब आपको पता है कि 1/1^8 लिख सकता हूँ, 1 का हम कितनी बार भी गुणा कर दें तो उसका मतलब 1 ही रहता है, आप सब जानते हो। और मुझे पता है कि 256 आप इधर लिखोगे, 256 काटोगे 2 से 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 = 8 = 16, फिर 2 से काटोगे 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, फिर आप कहोगे ये 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, फिर आप 2 से काटोगे 2 × 1 = 2, 1 = 2 × 6 = 12, फिर आप 2 से काटोगे 2 × 8 = 16, फिर आप 2 से काटोगे 2 × 4 =
आठ, फिर आप दो से काटोगे दो दूना चार, फिर दो से काटोगे दो एकम दो, जब तक काटते जब तक कि एक ना आ जाए। आपने देखा कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कितनी बार है दो, आपने कहा ये आठ बार है दो, तो मैं ऐसे दो की पावर आठ नहीं लिख सकता, आपने कभी लिख सकते हो, और ये क्या है पूरी की पावर एक बटा आठ, कोई दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं कि जब दोनों की अंश और हर पर समान पावर रहती है तो हम उसके बाहर भी होल पावर भी क्या लिख सकते हैं आठ लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है कि इन दोनों पर है, तो इसलिए इस पर भी थी और इस पर भी थी, तो मैंने उसके होल पावर लिख दिया। अब इसके क्या है एक बटा आठ है, अब आठ से आठ क्या कर जाएगा भैया कट जाएगा, एक से आठ, आठ से ये वाला आठ से ये वाला आठ कट जाएगा भाई, अब तो क्या बचा आपको भी, अब बचा एक बटा दो, यही आपका आंसर है, यही आपका बच्चा क्या है परम सत्य आंसर, यही आपका क्या बच्चा परम सत्य आंसर। एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन कैसे किया मैंने, मेरे सामने था 256 की पावर 256 माइनस के कोष्टक में चार की पावर माइनस तीन बटा दो, हमने पहले इसको हल किया, हमने कहा इस पर माइनस है तो क्या एक बटा चार की पावर तीन बटे दो हो जाएगा, हम तीन बटे दो लिखा, हमें पता था दो का वर्ग होता है तो हम दो का लिखा, दो से दो कट गया तो दो की पावर तीन बचा, जो तो हम सेम टू सेम लिखे जैसे लिखा था, हम दो का घन निकाल लिया आठ। अब मुझे पता है कि अब इसकी पावर माइनस है तो मैं क्या करूँगा इसको भी पलट दूंगा, लेकिन इसकी होल पावर है तो इसे होल पावर एक बटे आठ लिख दूंगा, ठीक है। अभी ये पर्सनल थी, ये चार पर पर्सनल थी, इधर पर्सनल नहीं, इस पर कोष्टक लगा है, ठीक है, तो एक बटे आठ हो गया। अब ऐसे एक बटे आठ को मुझे पता जी एक एक की पावर में आठ लिख दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैंने क्यों लिखा क्योंकि मैं जब 256 के गुणनखंड किए तो दो की दो गुणज में आठ बार आ रहा था, तो मुझे पता है कि दो गुणा में आठ बार है तो मैं उसे दो की घात आठ लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ लिख सकता हूँ, तो मैं दो की घात आठ लिख दी। अब मैंने कहा दो की घात आठ से तो बात बनेगी नहीं, तो मैं एक की पावर भी आठ लिख दूंगा, तो मैंने एक की पावर भी आठ लिख दी। अब मुझे पता चल गया कि इन दोनों की पावर आठ आठ है तो मैं दोनों की होल पावर आठ लिख सकता हूँ, मैंने वो भी लिख दिया। अब मुझे पता आठ से आठ कट जाएगा तो एक बटे दो मेरा क्या होगा परम सत्य आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बच्चे, देखो बच्चा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि बहुत सरल है, कुछ नहीं कहता, आप तो घबरा गए इस सवाल से खाली पीली, बहुत सरल सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक्स का एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, कह रहा है एक्स ही भाई धनात्मक वास्तविक संख्या है तो एक्स की पावर दो बराबर दो, तब एक्स क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा अरे कौन सी बात है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है दो, यही है कि नहीं, हाँ आपने कहा है। मैंने कहा जब भी स्क्वायर इस पर स्क्वायर रखेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, आपका होगा अंडर रूट, अगर बराबर के इस साइड स्क्वायर है और मैं स्क्वायर को इस साइड ले जाऊंगी बराबर तो क्या चढ़ेगा अंडा रूट, क्या चढ़ेगा बच्चा अंडा रूट, क्या चढ़ेगा अंडा रूट, कोई दिक्कत आपने की कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मुझे काय का मान पता चल गया, आपने भी एक्स का मान चल गया, और हमें मान कितने का निकालना है, आपने कहा एक्स क्यू का, तो मैंने कहा एक्स क्यू का मान निकालना है तो एक्स क्यू है तो मतलब एक्स को हम कितनी बार लिख सकते हैं, आपने कहा तीन बार लिख सकते हैं, एक्स क्यू का मतलब है कि एक्स को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, तीन बार लिख सकता हूँ, और एक्स का मान क्या अंडर रूट के टू, तो मैं अंडर रूट टू को भी कितने बार लिख सकता हूँ, आपने कहा इसको भी आप तीन बार लिख सकते हो, इसमें कौन सी बात है, मैं ठीक है। हमें पता है जब समान अंडर रूट में दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनके ऊपर से अंडर रूट हट जाता है तो दो आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा रूट टू, तो इस प्रकार से आपका ये भी आंसर आ गया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना, कोई दिक्कत हुई नहीं। मुझे पता था कि एक्स स्क्वायर बराबर दो दे रहा था, मुझे पता है इस पर स्क्वायर था तो इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, अब इस पर अंडर रूट चढ़ गया मुझे पता है एक्स क्यू का मान बताना, मैंने एक्स क्यू को तीन बार लिख सकता हूँ, मुझे एक्स का मान अंडर रूट टू था, मैं तीन बार अंडर रूट टू लिख दिया। मुझे पता है कि दो समान संख्याओं का अगर वो अंडर रूट में है और उनका मैं अगर वर्ग यानी गुणा करता हूँ तो रूट हट जाएगा दो आ जाएगा और जे रूट टू आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको 2.1 के दोनों डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब चलते हैं अपन किसके 7.1 के दूसरे क्वेश्चन के डाउट क्लियर। ग्राफ खींचने से पहले अपन ग्राफ के बारे में जान लेते हैं, थोड़ी बेसिक जानकारी कर लेते हैं कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आपका 7.2 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक का ग्राफ खींचिए, तो सबसे पहले हम इसकी क्या कर ले, थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं ग्राफ होता क्या है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ नहीं होता, आपने ग्राफ देखा होगा अभी तो हाल फिलहाल में ऐसे रहता है, ठीक है। इधर होता है बच्चा अपना एक्स, इधर होता है एक्स डैश, जैसे इधर वाई होता है ऐसे इधर होता है वाई डैश। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है जी। अब कहने का मतलब इधर इधर जो संख्या रहेगी वो कायम रहेगी प्लस में, एक प्लस के दो प्लस के तीन प्लस के चार प्लस के पाँच प्लस के छः, इधर प्लस में रहती है, उधर संख्या रहेगी माइनस में, माइनस के एक माइनस के दो माइनस के तीन माइनस के चार माइनस के पाँच, इस प्रकार से। ऐसी बाई का मान अगर ऊपर जाएंगे तो कायम जाएंगे आपको प्लस में जाएंगे,
ठीक है। और जब बाई के मान नीचे आएंगे, माइनस के जो भी, माइनस कैसे बाई का मान माइनस के पाँच ऐसे दिया है, तो ये मान कहाँ आएंगे, नीचे। जैसे माइनस का मान माइनस के टू, माइनस के थ्री, माइनस के फोर, माइनस के फाइव, माइनस के सिक्स, माइनस के सेवन। तो इस प्रकार से क्या रहेंगे, ये दर्शाए ऐसे ग्राफ रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आगे, जैसे हम बाई अक्ष कहते हैं, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। बाई का मतलब एक्स प्लस, इस साइड जाएंगे तो प्लस में, पीछे आएंगे तो माइनस, अगर हम ऊपर जाएंगे तो प्लस में, अगर नीचे जाएंगे धरती के अंदर तो माइनस, कहने का मतलब एक सेंटर पॉइंट है। अगर आगे बढ़ते हैं तो प्लस में, पीछे आते हैं तो माइनस, अगर ऊपर जाते हैं तो प्लस में, नीचे आते हैं तो माइनस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा ग्राफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे करते हैं इसको, देखो सवाल को कैसे करते हैं बच्चा, कुछ नहीं करना है आपको, एक ग्राफ खींचना है ऐसा ही, जे एक्स, जे एक्स डैक्स, जे बाई और जे बाई डैक्स, ऐसे लिख लेना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है, और कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है x बराबर 2 दे रहा, तो आपको पता है कि इस साइड प्लस में जाती, तो एक और जे 2, बस ऐसे रंगेज करनी हो। x बराबर कितना दे रहा आपको, 2 जी, आपका आंसर आ गया है। आप इसे m कह सकते हो और इसे n कह सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। x बराबर 2 और क्या, तो मैंने एक और जे दूसरे उस पर लाइन खींच दी, इसको मैंने एम एन वाली, x बराबर 2 ही हमारा आंसर हो गया। किसी को दिक्कत आने का, भैया दिक्कत का मजा आ गया, अरे मजा आएगा। ऐसे हम इसको खींचेंगे, वो तीन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है जी। अपना x होता है, आपका वही x डैश होता है, मैंने कहा जी बाई होता है, आपने कहा जी बाई डैश होता है। आप पता है कि x बराबर माइनस का 4 दे रहा है, तो आपको पता है पीछे आना, एक दो तीन चार पीछे आना है, जे m हो गया, जे n हो गया, और हम लिखेंगे x बराबर माइनस के 4। क्या लिखेंगे बच्चा, x बराबर माइनस के 4। तो x बराबर क्या लिखेंगे बच्चा, माइनस का जी, आप आंसर दो। उसने 4 तक जाना था, देखो एक दो इधर क्या रहता बच्चा, 0, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं बच्चा। तो एक दो तीन और चौथा ही है, तो इसी पर हमने एक लाइन खींच दी एम एन, जो x बराबर क्या है, माइनस के 4 है। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत, लास्ट क्वेश्चन होता उसे नहीं कर पाओगे, आपने कर लेंगे इसको भी, हाँ करना पड़ेगा ना, चालान कटेगा और भरा नहीं जाएगा। क्या नहीं करा जाएगा बच्चा, चालान तुम्हारा भरा नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो जी आप जानते हो x होता है, इसे x डैश कहते हैं, जी बाई होता है और जी बाई डैश होता है। अब आपको पता है कि माइनस बाई बराबर माइनस के 5 दिया, अपन को पता है माइनस वाला मान कहाँ चलता है, बाई के नीचे, तो हम गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच, यहीं से एक लाइन खींच देंगे m n और बाई बराबर माइनस के 5, ये आपके आंसर होगा। ये आपने इसको ग्राफ पर दर्शा दिया। किसी बच्चे को दिक्कत हो, कोई भी क्यूरी समझ में नहीं आए, तो हमें कमेंट के आपसे माध्यम से जरूर बताएं, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अपन बच्चा नेक्स्ट प्रश्न, जो आखिरी क्वेश्चन है 11.2 एक्सरसाइज का। अब बच्चों जो आपका आखिरी डाउट क्वेश्चन था वो है क्वेश्चन नंबर 13, अभ्यास प्रश्न 11.2 एक्सरसाइज का। तो इसको आप बहुत अच्छे समझेंगे और एक ही बार में आपको समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी समझ में ना आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि चित्र में ए वी डी जी क्या होता है, कोण को दर्शाता है, कोण डी ए सी को 1:3 में, जो ए वी जी वाली लाइन है, जी वाली जी लाइन है ए वी, वो क्या करती है डी ए सी यानी ए को, बीच में क्या है अच्छा ए, बीच में क्या है आपको भाई, तो ये कोण को क्या करती है, दो भागों में बांटती है। क्या करती है, दो भागों में बांटती है, 1:3 यानी 1:3 के, ठीक है, अनुपात में विभाजित करता है। और ए बी और डी बी कहने मतलब, जब विभाजित करता है जो ए बी और जो डी बी यानी ए वाली लाइन और ए वाली लाइन, जी आपस में क्या बच्चा बराबर है, क्या है वो जो दो लाइन का मतलब ही क्या है कि जे दोनों भुजाएं आपस में क्या है बच्चा बराबर, दो लाइन की जे वाली और जे वाली भुजा आपस में बराबर है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, इसको करना बहुत आसान है, इतना आसान है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सबसे पहले आपको अनुपात दे रहा है 1:3, तो आप इसे क्या मानेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे 3a, माना कोण इसे क्या मान लिया, ये उसको मान लिया 3a, ठीक है। अब बात आती है कि भैया जे ए होगा कि जे ए होगा, अब बात आती है कि इसमें से ए कौन होगा, इसमें से ए, ठीक है। तो आप चित्र को बच्चा थोड़ा, मैंने इसको थोड़ा दिक्कत है चित्र, अब आपको पता है कि जे जे वाली जो भुजा है बच्चा वो कम खुला है, इसका कोण क्या कम खुला है, इसका क्या खुला है बच्चा ज्यादा खुला है, इसकी कम खुली है, वो उसमें देखिए थोड़ी मैंने क्या कहा तिरछी कर दी, क्या कर दी तिरछी रेखा हो गई जी। अगर आप इसे अपन सीधी करेंगे बिल्कुल 90 अंश पे, तो इस प्रकार से बनेगा 90 अंश की ना रेखा जी,
ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि ये छोटा कोण बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये होगा, और ये बड़ा कोण बन रहा है तो जाहिर सी बात होगी कि थ्री होगा। इसमें हमें बताने की आपको जरूरत नहीं, ये थ्री ए होगा और ये क्या होगा, ए। आप सब जानते हैं छोटा कोण होगा हमको कम ही तो होगा, और जो बड़ा मुंह खुला होगा वो बड़ा कोण होगा, तो इसीलिए इसका मुंह जाना खुला तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, आपने इतना तो समझ में आ गया। अब आप सबको पता है कि ये पूरा जे 108 था, जे इधर से इधर 108 था, और जे पूरा कितना होगा, जे 3 और जे ए। तो अपन कहा अगर आप देखो जे पूरा जो कोण बन रहा है, अगर जे पूरा कोण मान लिया जाए बच्चा, तो ये कोण पूरा कितने का होता है सीधी रेखा पर, आप सबको 180 का होता है, कितने का होता है, 180 का होता है कि नहीं होता, आपने कहा भैया बिल्कुल होता है। इसको अपन लिख सकते हैं कोण ई ए डी, ई ए डी बराबर कितना है 180 अंश होगा कि नहीं होगा, आपको हाँ भैया बिल्कुल होगा, क्योंकि जे ई ए डी सीधी रेखा है, इसका कोण 180 अंश होता है, सीधी रेखा जो कोण बनता है। तो अपन को पता है कि जी कितने को मिलाकर बन रहा है, ई कोण आप कहोगे 108 प्लस के 3 और प्लस के ए बराबर 108 अंश। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा, होशियार हो गए इतनी तो। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो 3 और 1 ए जुड़ के कितना होगा, आप कहोगे 4 ए बराबर 180 है जी, कितना बच्चा 180 है। तो 180 में से प्लस के थे इधर काय के हो जाएंगे, आपको माइनस के हो जाएंगे, तो 4 ए बराबर कितना आ जाएगा, आपको 180 में समझ 108 घटाते हैं तो 72 बचते हैं। तो हमने कहा जी 4 गुणा हमें इनका क्या करेंगे, आपने कहा इसको भाग कहीं में ले जाएंगे, भाग में, तो ये भाग में ले 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, आपको 18 बार, तो 18 चौक कितना होता है 72, 4 एकम 4 4 8 32, तो ए बराबर कितना आ गया 18, ये बराबर आ गया कितना 18। अगर हमें मान निकालना है इसका, तो हम इसका अगर मान निकाल लेंगे 3 गुणा क्या रखें 18, तो 18 तीय कितने हो गए 54 अंश। तो ये 3 का मान कितना आ गया, आपको इस कोण का मान आ गया 54 अंश आ गया। अब ए का मान कितना आ गया 18 अंश आ गया, कितना आ गया 18 अंश आ गया। कोई दिक्कत आपने भैया इधर तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान कितना आ गया 18 अंश आएगा, और ये 3 रखें तो 18 दिया 54 अंश होगी। अब आपको पता है कि ये सीधा है बिल्कुल, तो ये कितने अंश का कोण है, 19 अंश का कोण है, आप सब जानते हो 19 अंश का कोण है। अब आपको पता है कि त्रिभुज की आपको दो कोणों का मान पता है, तीसरे कोण का मान नहीं बना बता सकते, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हो, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, इधर बी लिख दो बच्चा, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी, यानी कोण ए और कोण बी और कोण सी, कोण सी, इस बार त्रिभुज को ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो क्या होगा, जिसके बराबर 180 होगा, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है, चाहे कितने अंश होता है, 180 अंश होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आपको पता है ए का मान 18, बी का मान 90 और सी का मान कितना x, तो अपन क्या लिखेंगे, कितना लिखे बच्चा, ये 18 और बी का मान कितना दिया आपको 19 और सी का मान x बराबर 108। देखो ए का मान 18 था, बी का मान 90 था और सी का मान कितना था x अंश, तो अपन ने लिख दिया, अपन x इधर ही रहेगा बराबर 180 अंश है, कितना बच्चा जी 180 अंश है, तो ये भी कितना होगा 180 अंश होगा। अब पता कि 90 और 18 जोड़ेंगे कितना होगा 108, अब जो प्लस के तो उस साइड का आगे हो जाएंगे, आपका भी उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस के 108, अपन जैसे ही इसको घटाएंगे तो आएगा 72 अंश, तो 72 ही अंश बच्चा आपका परम सत्य आंसर है, यही आपका अच्छा परम सत्य आंसर है, यही आपका परम सत्य आंसर है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, घबराएं नहीं, क्योंकि घबराओगे तो अब्बा जी आ जाएंगे। देखो एक बार फिर समझो सवाल को, क्या चित्र ए बी, ए बी क्या करती है, डी ए बी सी को एक कोण को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक ए को और एक थ्री को, तो हमने एक अनुपात 3 था बच्चा, तो इसको ए और इसको हमने 3 मान लिया, तो पता है छोटी भुजा ए होगी, बड़ी भुजा क्या होगी 3 होगा। ठीक है, इसमें बच्चे वाली बात नहीं करेंगे अपन। अब अपन को पता है कि ई ए ई ए डी बराबर कितना होता है 180 अंश होता है पूरा, लेकिन अपन को होता है जे तो 180 से बड़ा, लेकिन ए जो कोण है वो कितने भागों में, 1 2 3, तो हमने तीनों को रख दिया, जिससे कि हमने ए का मान निकाल लिया 18, जिससे मुझे ए वाला कोण पता चल गया 54, ए वाला कोण पता चल गया 18 अंश। अब मैं त्रिभुज ए बी सी लिया, जिससे कि मुझे पता त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है बच्चा वो 180 अंश होता है, मैंने ये तीनों 180 अंश बराबर लिखा, और कोण ए का मान 18, कोण बी का मान 90 और कोण सी का x, मैंने बराबर हटा दिया, तो आप सब जानते हैं x बराबर 72 अंश आ गया। ठीक है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किर्रा हौसला वो मंजर भी आएगा, किर्रा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थककर है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपके भी जो भी डाउट रहते हैं आप कमेंट
कमेंट करके बताएं जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपका जरूर सॉल्यूशन मिलेगा, मेरा ये आपसे वादा है। अब सभी से विदा लेता हूँ, आपका प्यारा भाई बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।